नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विकासखंड शाखा के अंतर्गत कस्बा उत्तराहा में किसानों ने सरकार पर गोला जोरदार हमला। अब विकासखंड शाखा के अंतर्गत कस्बा उत्तराहा में भारत बंद को लेकर मेन रोड को जाम करके किया किसान आंदोलन और किसानों ने कहा जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी तब तक हमारा किसान आंदोलन जारी रहेगा। 2022 में ऐसी निकम्मी सरकार को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे एवं भारी बल के साथ पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। इसके चलते कोई भी आपत्तिजनक घटना नहीं हुई। मौजूद रहे किसान संगठन के किसान सभा अध्यक्ष संजेश, पूर्व जिला अध्यक्ष नाथूराम कामरेड, विश्वान सिंह, अरविंद यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष साधु सिंह मौजूद हैं। गौरव शास्त्री की रिपोर्ट। किसी के खाते में 15 लाख रुपया आया। आप बताइए किसानों के हक जा रहे, तीन काले कानून किसानों के विरोध में आए? नहीं आए। किसान मर रहा है। सरकार किसानों के विरोध में तीन काले कानून लाई? नहीं। इसमें किसानों का हित आया? हमारा युवाओं को नौकरी नहीं है, संविदा पर नौकरी दे करके इनके परिवार को तांस नाश कर रहे हैं। युवाओं को नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए? सरकारी चाहिए। नौकरियों से भी बेदखल कर रही है, ऐसी सरकार का क्या करोगे? ऐसी तानाशाही सरकार को क्या करोगे? देखिए यहाँ पर जो किया है क्या पूरा मामला जी, पूरा भारत बंद है। जबरदस्त लोगों में उत्साह है और जबरदस्त सपोर्टिंग है। कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते ही नहीं है कि यहाँ जनता सुखी रह सके। ऐसे लोगों ने दुकानें खोल रखी और हमारा बंद पूर्णतः सफल रहा। जैसा कि आपको पता है कि 10 महीने से किसान संघर्षरत है, सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है, रत्ती भर जू नहीं रेंग रही। सरकार को चेताने के लिए ये बंद का आयोजन किया गया। तो